स्टूडेंट्स, मैं विजेता सिंह, लेक्चरर इलेक्ट्रिकल, जीपीसी प्रतापगढ़। सब्जेक्ट कोड E205। इस सब्जेक्ट में सबसे पहले हम प्रतिरोध की स्टडी करेंगे। प्रतिरोध हमारा हर सब्जेक्ट का बेसिक्स होता है, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है सबसे पहला प्रतिरोध, दूसरा टॉपिक है प्रतिरोध पर किस किस के एलिमेंट की वजह से प्रभाव पड़ता है वो, तीसरी टॉपिक है हमारा ओम्स लॉ, चौथा टॉपिक है हमारा इसमें प्रतिरोध का श्रेणी क्रम, पांचवा टॉपिक है हमारा प्रतिरोध का समांतर क्रम। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या होता है? किसी भी दो, सपोज कीजिए कोई आपके पास तार है, उस तार में किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच में आपका विभवांतर अगर है, यानी कि एक पॉइंट अधिक विभव पे और दूसरा पॉइंट कम विभव पे, यानी कि वन पॉइंट इज एक पॉइंट जो है आपका ज्यादा पोटेंशियल पे दूसरे पॉइंट से, ठीक है? तो वहां पर क्या होता है कि आपका करंट फ्लो करना शुरू करता है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ठीक है? यानी कि अधिक विभव से कम विभव की ओर एक धारा बहने लगती है और धारा के हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि उल्टी दिशा में करेंट इलेक्ट्रॉन फ्लो, ठीक है? तो अब इसका प्रतिरोध से क्या कनेक्शन है? देखिए, आपका किसी तार में दो बिंदुओं के बीच में विभव पैदा होता है, ठीक है? तो करंट फ्लो होने लगी, उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगे। अब जो वो इलेक्ट्रॉन है उस तार के अंदर आपके क्या होते हैं? स्थिर आयन होते हैं, इमोबाइल आयन कहते हैं, स्थिर आयन होते हैं। वो इलेक्ट्रॉन जो है उन स्थिर आयन से टकराएगा, प्लस उस मटेरियल में, उस तार में आपके स्थिर इलेक्ट्रॉन भी होंगे जो एटम से जुड़े रहते हैं। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो है, मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है, जो फ्लो हो रहे हैं करंट के अपोजिट डायरेक्शन में, ये इससे टकराते हैं उन बधे हुए या रुके हुए इलेक्ट्रॉन से, ठीक है? अब वो उससे टकराए हैं तो इस वजह से जो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन थे उसके जो गति है, जो उसकी दिशा में जितनी भी चीजें अवरोध पैदा करती हैं उसको कहते हैं हम प्रतिरोध, ठीक है? जिस भी वजह से हो रहा है वो, उसको कहते हैं हम प्रतिरोध, यानी कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कम करना, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को कम करना, इसे कहते हैं हम प्रतिरोध। चलिए अब देखते हैं प्रतिरोध पे किस किस का प्रभाव पड़ता है। यानी कि आपका प्रतिरोध किस किस पर निर्भर करता है, चलिए देखते हैं। और ये भी कह सकते हैं जो प्रतिरोधकता है वो किस किस पर निर्भर करती है। सबसे पहला प्रतिरोध को प्रदर्शित करते हैं, प्रतिरोध को आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब इसकी इकाई ओम या ऐसे भी लिखते हैं होती है। यहां तक ठीक है। अब ये प्रतिरोध की जो प्रतिरोधकता है वो किस किन चीजों पर निर्भर करती है? तो सबसे पहला होता है तार की लंबाई, जैसे जो भी आप वायर ले रहे हैं या कोई भी मटेरियल है उसकी लेंथ पे, कितनी लेंथ है उसकी, ठीक है? प्रतिरोध तार की लंबाई के समानुपाती होता है। R इज प्रोपोर्शनल टू L, यानी कि
जितनी ज्यादा लंबाई होगी उतना ही ज्यादा प्रतिरोध होगा, ठीक है। कोई अगर तार छोटा है और कोई लंबा है तो जो जितना लंबा तार होगा उसकी उसका प्रतिरोध उतना ज्यादा होगा, यानी कि उसमें हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लो जो है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जो है, उसमें उतनी ही ज्यादा दिक्कतें आएंगी जिसके कारण उसका प्रतिरोध ज्यादा होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट है प्रतिरोध तार के क्रॉस सेक्शन एरिया, अभी समझाता हूं, क्रॉस सेक्शन एरिया के विरुद्ध क्रमानुपाती, क्रमानुपाती होता है, यानी कि R is proportional to 1 upon A, A is equal to cross section area, यानी कि cross section area होता है ये गोल वाला, तो ये एरिया जितना ज्यादा होगा उतना ही आपका प्रतिरोध कम होगा, ठीक है। यानी कि अगर आपका कोई मोटा वायर है इस तरह से, उसका प्रतिरोध कम होगा, यानी कि उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो ज्यादा होगा, यानी कि उसमें धारा ज्यादा रहेगी, ठीक है। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब तीसरा पॉइंट आता है ये है कि अगर हम इन दोनों को एक प्रोपोर्शनल में लिखें तो हमारा फार्मूला बनता है R is proportional to L upon area, ये बन गया therefore R is equal to rho L upon area, यहां तक क्लियर। रो क्या होता है, रो को बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध, इंग्लिश में बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। रो को बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब जो रो होता है यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध होता है, ये हर मटेरियल की क्वालिटी होती है, यानी कि कोई भी तार हम मान लीजिए एल्यूमिनियम का है, लोहे का है या तांबे का है, जिस चीज का भी है, तो वो हर एक पदार्थ का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी विशिष्ट प्रतिरोध सबका अलग अलग होता है, ठीक है। इसकी हर एक की वैल्यू अलग अलग होगी, तो ये एक तरह से कांस्टेंट है, ठीक है। ये मटेरियल पे डिपेंड करेगा पूरी तरह से, कौन सा मटेरियल आप चूज करते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, तो ये है बेसिक हमारा प्रतिरोध का, प्रतिरोध क्या होता है, ठीक है। रो की इकाई क्या होगी, रो इज इक्वल टू आर ए बटा एल, आर का होता है ओम, ये एल स्क्वायर बटा एल, यानी कि ओम मीटर और ओम मीटर, ठीक है, ये होती है रो की इकाई। लेंथ अपॉन लेंथ का स्क्वायर के ऊपर एरिया, मतलब एरिया के विरुद्ध लेंथ का स्क्वायर, ये ओम मीटर, ठीक है। आगे चलें,
अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ। किसी पदार्थ की भौतिक स्थिति ताप दाब व आयतन नियत तो उस पदार्थ में या उस पदार्थ में इसको तार या कोई मटीरियल ठीक है तार बहने वाली धारा उस तार में इन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर के समानुपाती होती है। यानी कि अगर कोई तार है आपका ठीक है, कोई वायर है आपका, अगर इसकी भौतिक स्थिति कांस्टेंट है यानी कि इस पे तार की लंबाई टेम्परेचर इतना नहीं बढ़ रही है, यानी कि हमने ताप दाब व आयतन अगर कांस्टेंट किया है ठीक है, क्योंकि अगर हम किसी तार को गर्म करेंगे तो उसकी लंबाई बदल सकती है बढ़ सकती है ठीक है, इस तरह से दाब व आयतन उसके फिक्स कर रखे हमने, तो उस तार में जो हमारी धारा बहती है वो इन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर के समानुपाती होती है ठीक है। I is proportional to V. I is equal to V upon R. ठीक है, और V equal to I into R. V क्या है? ये कोई तार है, इसके कोई दो बिंदु हैं A और B, इनके बीच का विभवांतर ठीक है, और I क्या है? इसमें बहने वाली धारा। तो ये है हमारा ओम्स लॉ। ये क्लियर है? बहुत आसान है ठीक है। अगर इसको हम ग्राफ से दिखाना चाहें तो इधर I इधर B कर लो, ये कॉन्स्टेंट लाइन हो जाएगी, क्योंकि जितना आई बढ़ेगा उतना ही बी भी बढ़ेगा, तो जितना आई बढ़ा रहे उतना ही बी भी बढ़ा ठीक है, ये समानुपाती स्ट्रेट लाइन ठीक है, वाई इक्वल टू एम एक्स बन जाएगी ठीक है, क्लियर है। चलिए अब हमारा अगला टॉपिक है
श्रेणी क्रम में जोड़े, ठीक है। प्रतिरोध हमारा दो तरीके से जोड़ा जाता है, एक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में, एक प्रतिरोध समांतर क्रम में। प्रतिरोध को दो विधियों से जोड़ा जाता है, समझे? श्रेणी क्रम नंबर दो, समांतर क्रम, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसको, ए बी लिख लो, ए और बी। सबसे पहले ए है श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम क्या होता है? श्रेणी क्रम होता है जब पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा जैसे मैं यहां पर बना देता हूं, एक प्रतिरोध ये है और दूसरा प्रतिरोध ये इसका पहला सिरा है, ये इसका दूसरा सिरा है, और ये दूसरे वाले प्रतिरोध ये R1 है और ये R2, ये R1 का दूसरा सिरा है और ये R2 का ये वाला पहला सिरा है, ठीक है। जब पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ा जाता है, तो इस समायोजन को श्रेणी क्रम कहते हैं। ठीक है, जब पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा आपस में जोड़ा गया है, इसे कहते हैं श्रेणी क्रम, ठीक है। अब इसको हम इसका तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तुल्य प्रतिरोध यानी कि परिणामी यानी कि रिजल्टेंट प्रतिरोध आर इक्यू इक्विवेलेंट बराबर आर वन प्लस आर टू। और एक पॉइंट और है, श्रेणी क्रम में धारा समान रहती है, यही धारा यहां भी इस प्रतिरोध में नहीं है और यही धारा तो जाएगी इस प्रतिरोध में भी जाएगी, ठीक है। देख लीजिए श्रेणी क्रम में धारा समान होती है, श्रेणी क्रम में धारा समान होती है, चलिए आज इतने रखते हैं। समांतर क्रम कर बताएंगे। धन्यवाद।